मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। गिरिडीह केंद्रीय कारागार के गार्ड पर गोली चलाने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात अपराधियों ने झगड़े के बाद गार्ड से ही हथियार छीनकर उसे गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल गार्ड का दुर्गापुर में इलाज कराया जा रहा है। दो हज़ार तेईस को रात्रि के करीबन 8 बजे गिरिडीह टुंडी रोड के पास एक घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें गिरिडीह केंद्रीय कारा में प्रतिनियुक्त कक्षपाल एवं भूतपूर्व सैनिक शशिभूषण यादव को इंजरी हुई थी। इसमें गोली चलने की बात आई थी कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया एवं इनको घायल किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया एवं वहां से फर्दर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक टीम की गठन की गई थी, जिसका नेतृत्व सदर SDPO गिरिडीह कर रहे थे। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसको बरामद किया गया एवं इसमें संलिप्त 2-3 अपराधकर्मी जो थे उनकी गिरफ्तारी 2 अपराधकर्मियों की गई है। जो घटना में बात सामने आ रही है कि 3 अपराधकर्मियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग महज 6 घंटे के अंदर ही कर ली गई थी। इस घटना से संबंधित मुफस्सिल थाना कांड संख्या 41/23 दिनांक 21/2/23 दर्ज किया गया है एवं इस संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनसे संबंधित डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी जा रही है। ये आपसी लड़ाई इसका मुख्य कारण रहा है कि इनके बीच में जो वहाँ पे बाकी अपराधकर्मी थे और जो कक्षपाल थे इनके बीच में बहस हुई एवं बात आगे बढ़ गई, जिस वजह से ये घटना का अंजाम दिया गया। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।